So in previous session we are discussing about the network scanning, right? And हमने उसमें कुछ चीजें discuss करी थी, that is like the commands of the nmap, जिसमें हमने normal nmap command चला के सबसे पहले synchronization steal scan किया था, फिर हमने उसके बाद normal verbosity देखी थी minus v के through, फिर हमने script लगाई थी synchronization steal scan की, फिर उसके बाद हमने उसके version check किया था, then version के बाद हमने उसका complete like default scripting के साथ c लगा के check किया था स्क्रिप्ट सी, देन उसके बाद हमने उसका ओएस चेक किया था कि ओएस कौन सा उसके अंदर है ना, हां जी, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन उसके बाद हमने पिन प्रोब भी देखा था कि अगर नेटवर्क के ऊपर आपका जो फायरवॉल है वो ब्लॉक कर दिया है पिंगिंग पैकेट्स को तो उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं वहां पर है ना, फिर उसके बाद हमने शायद पोर्ट भी देखे थे कि स्पेसिफिक पोर्ट अगर आपको स्कैन करने तो आप कैसे करोगे राइट, एंड फिर हमने रेंज भी देख ली थी कि अगर पर्टिकुलर किसी रेंज पे स्कैन करना है तो कैसे कर सकते हैं है ना, में एक और है कि अगर आपको कंप्लीट एक स्कैन करना है सारे पोर्ट्स के लिए और आप रेंज नहीं देना चाहते तो उस केस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जस्ट सिंपल हाइफन पी हाइफन, ठीक है ओके, तो ये क्या करेगा, ये पूरे स्कैन करेगा आपके 0 से लेके 61535 तक, ठीक है ओके ठीक है, नेक्स्ट है आपके एनमैप में आप यूडीपी स्कैन कर सकते हो ओके, तो कुछ यूडीपी स्कैन होते हैं ये हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था सो अभी कैसे करना है, एंड उसके बाद है आपका एक्समैक्स स्कैन, तो एक्समैक्स स्कैन किस लिए होता है, फायरवॉल डिटेक्ट करने के लिए होता है कि अगर आपके पर्टिकुलर उस मशीन के ऊपर किसी भी डेल की फायरवॉल एक्टिवेटेड है तो उस केस में हम एक्समैक्स स्कैन की हेल्प से पता कर सकते हैं कि वहां पे फायरवॉल एक्टिवेटेड है कि नहीं है, ठीक है, उस फिर उसके बाद कुछ फ्लैग्स हैं जैसे कि आपके हमने सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग भी हमने वहां पे सेंड कर सकते हैं है ना, करते ही हैं, फिर फिन स्कैन होता है जो कि आपके पैकेट जब सेंड होते हैं और फिन फ्लैग जाता है ना, तो फिन फ्लैग जब आपके अबाउट होता है नेटवर्क तो हम SF करके फिन फ्लैग देख सकते हैं, या फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं नल स्कैन कर सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग पैकेट विदाउट एनी फ्लैग सेट, किसी भी विदाउट फ्लैग के थ्रू अगर आपको कोई पैकेट सेंड करने हैं तो यू कैन यूज अ नल फ्लैग नल स्कैन राइट, ACK scan जो acknowledgement scan होता है, that is ऐसे, check, and एक और है इसमें, that is the all या aggressive scan, तो ये last scan होता है इसमें, वैसे तो बहुत सारे scan हैं, but for the network scanning of the scripting part, तो उसके लिए हमारे पास minus A होता है, जिसे all scan या aggressive scan कहते हैं, check, so हम ये scan अभी करके देखेंगे कि कैसे करने हैं, okay, ठीक है, so I'm just going to share my end screen, so you will see that कि कैसे okay, so machine हमारी activate हो गई है, now let's do the scan, so हम यहाँ पे भाई IP address पहले बता कर लेते हैं एक बार दोबारा, तो R scan hyphen L, that will give me the IP, that is the same of previous session, that is 128.132, right? Right. Now एंड मैं आपके थ्रू सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे यूडीपी स्कैन, ठीक है, सो पहले एक ऑल स्कैन देख लेते हैं जो सारे पोर्ट्स को आपको स्कैन करके देता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है दैट इज कैपिटल स्मॉल वी, जो हमें क्या बता रहा है वर्बोसिटी, आईपी एड्रेस 0 दैट इज 192.168.223.128 राइट, एंड इसके साथ माइनस पी एंड हाइफन hyphen p hyphen, ठीक है, now just press enter and it will take few time, देखो यहाँ पे कितने port scan हो रहे हैं total, वो सारे six सारे scan करता है ना, तो सारे scan करता है इसके, तो यहाँ पे scan किए इसने pinging scan सबसे पहले start करी, इसने scan के सारे port scan करके इसे बताया कि all the ports not showing, जो नहीं कर रहा है वो सारे कितने हैं closed है और जो rest of the port यहाँ पे open है वो है इतने, ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पे अननोन पोर्ट भी मिल रहे हैं, पहले वाले जब हम स्कैन कर रहे थे तो हमें अननोन पोर्ट्स नहीं मिल रहे थे है ना, बट यहाँ पे अननोन पोर्ट भी मिल रहे हैं, कितने पैकेट सेंड किए थे टोटल इतने, कितने रिसीव्ड हुए टोटल इतने पैकेट रिसीव हुए, अब यही स्कैन अगर मैं उसके ऊपर स्कैन करूँ दूसरी वाली मशीन के ऊपर दैट इज 132 एंटर,
तो इसने भी टोटल वही किए हैं क्या, आपके पैकेट कितने पोर्ट कितने स्कैन कर रहा है, दैट इज 61535 ऑल पोर्ट स्कैन कर रहा है, इट विल टेक टाइम बिकॉज़ यहां पे सारे स्कैन हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, यूडीपी स्कैन, ठीक है। तो हम यूडीपी स्कैन यहां पे चलाते हैं, तो यूडीपी स्कैन के लिए आपको करना क्या है, जस्ट वेरी सिंपल स्टेप, आपको सबसे पहले आईपी एड्रेस लेना है, दैट इज 128 एंड माइनस एस स्मॉल एस एट कैपिटल यू फॉर यूडीपी, ठीक है। नाउ जस्ट प्रेस एंटर। तो ये स्टार्टिंग 1000 पोर्ट्स में से फाइंड आउट करेगा कि इसके अंदर यूडीपी कौन कौन से हैं पोर्ट, ठीक है। ओके ठीक, जैसे कि आपका 161 पोर्ट हो गया यूडीपी, है ना। तो लेट्स सी कौन कौन से निकालता है। चलो जब तक इसको होने देते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसमें नेक्स्ट स्कैन देख लेते हैं जो टैब में, दैट इज द एक्स मैक्स स्कैन, ठीक है। तो एक्स मैक्स स्कैन के लिए जैसे कि मुझे पता करना है वहां पे फायरवॉल एक्टिवेटेड है कि नहीं, तो मैंने यूज किया एंड मैप, एक आईपी पे कर रहे हैं तो हम दूसरे आईपी पे यहां पे स्कैन करेंगे माइनस वी के साथ, एंड हमने दिया स्मॉल एस एंड कैपिटल एस, ठीक है। And space यहाँ पे IP address दे दिया, that is 192.168.223.132 right? Now just enter. इसने XMAX scan को यहाँ पे enable किया है, scan करना start किया है। ये किस लिए था, ये वाला command X वाला? ये आपको बताता है कि firewall वहाँ पे activated है कि नहीं, मतलब जो आपके 1000 ports हैं starting के, 1000 पोर्ट्स आपके फायरवॉल के थ्रू अगर कॉन्फिगर किए गए, फिल्टर उन पे लगाया गया है किसी भी तरीके का, तो ये आपको रिजल्ट में दिखाता क्या है कि ऑल द पोर्ट्स इज ओपन एंड फिल्टर्ड। ओके, ओपन है लेकिन फिल्टर्ड किए गए हैं किसके थ्रू, फायरवॉल के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू, ठीक है। तो इसने बताया ऑल द 1000 पोर्ट्स आर ओपन एंड फिल्टर्ड, एंड पैकेट कितने सेंड किए थे, 2001 रिसीव कितने हुए, ओनली 23 पैकेट, ठीक है। अब अगर मैं जाके फायरवॉल को ऑफ कर दूं, Let us suppose, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चला गया, मैंने normally अपनी windows firewall window firewall on and off में चले जाते हैं, just turn off कर देते हैं, ठीक है? Okay करने के बाद हम वापस आए, now I am just doing this scan again, now look at here, all the 1000 ports are closed,
इतने पैकेट सेंड किए, कुछ इतने पैकेट सेंड किए थे और इतने रिसीव हुए। अब यहाँ पे क्लोज क्यों आ गया, बिकॉज जितने भी आपके पोर्ट्स थे जो 1000 पोर्ट्स हैं वो आपके फायरवॉल के फिल्टर्ड किए हैं, राइट। सो अगर एक केस जो एक एक्सटेंशन बोर्ड है उसके अंदर मैं प्लग इन करूँ डिफरेंट डिवाइसेस को और एक्सटेंशन को ही बंद कर दूं, बिल्कुल तो बंद हो जाएगा, सारे बंद हो जाएंगे ना, या तो मैं उनको वहां से हटा के कहीं और लगा दूं तब तो वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूरी फायरवॉल को ही बंद कर दिया मैंने तो उस केस में तो सारे पोर्ट क्लोज्ड हो गए ना, हाँ जी बिल्कुल, कनेक्शन बंद हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे सारे पोर्ट क्लोज दिखा रहा है। ठीक है, ओके, अब मैंने यहाँ से जाके वापस से हम ऑन कर देते हैं। अब मैं दोबारा करूंगा तो अगेन ये मुझे कैसा दिखाएगा, ओपन और फिल्टर, ओपन एंड फिल्टर। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा ये सेटअप करना बताएंगे, मतलब जो ये आपने जैसे सेटअप कर रखा है, मशीन सेटअप, हाँ मतलब विंडोज को भी इसमें डोंट वरी, मैं इसके बाद ये जो नेटवर्क स्कैनिंग है ना ये वाला पार्ट अभी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको लैब सेटअप ही बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो वापस से हमारे पोर्ट्स कैसे हो गए, ओपन एंड फिल्टर। ठीक है, ओके, सो उसके बाद हमारे पास इसमें स्कैन है, जैसे कि हम फ्लैग स्कैनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी फ्लैग नहीं जाएगा, जैसे मैंने नल स्कैन किया तो नल में क्या था कि विदाउट फ्लैग आप डेटा पैकेट को सेंड करते हो, राइट। तो मैंने जैसे यहाँ पे विदाउट फ्लैग डेटा पैकेट को सेंड किया इन द नल स्कैन, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें ये नहीं दिखाएगा कि इतने पैकेट गए, बिकॉज वहाँ पे कोई फ्लैग ही नहीं है। अगर फ्लैग नहीं है तो डेटा पैकेट लेके कैसे जा रहा है ना। तो लेट्स सी द रिजल्ट, ये हुआ हमारा 29 अभी। Now look at here. यहाँ पे इसने मुझे दिखाया कि all the 1000 ports are open and filtered and they are sending, हमने इतने packets send किए without receiving of these packets. ठीक है? तो ये मुझे दोबारा से वही चीज बता रहा है null scan में कि आपने जितने data packet वहाँ पे send किए थे उसमें आपका कोई भी flag use नहीं हुआ है, but data packet जो है वो यहाँ से send हुए हैं और इतने packet उसने receive करके आपको दिया है। ठीक है? अब जैसे मैंने fill flag भेजा यहाँ पे, अच्छा हम इन फ्लैग्स वगैरह को अपने वायरशार्क पे कैप्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि एक नया टैब अगर हम ले लें, एंड ETL 0 पे वहां चल रहा है, देखो ICMP के पैकेट जा रहे हैं जो हम भेज रहे हैं, 128 पे जा रहे हैं, है ना, 129 से जा रहे हैं, 132 वाले हमें यहाँ पे हम किस पे भेजा है, हमने 132 पे। तो लेट्स सी 132 वाला हमारा कहाँ पे है, हो गया कंप्लीट, मैंने यहाँ पे डेटा पैकेट को अगेन सेंड किया। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम, देखो 132 पे गए, ये किस टाइप का स्कैन है, फिन पैकेट। अब मैं यहाँ से फिन पैकेट को ओपन करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी हियर कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि इस पोर्ट पे जा रहा है एंड डिस्कनेक्ट हो रहा है, इस डेस्टिनेशन पोर्ट ये है, सोर्स पोर्ट ये है। ठीक है, एंड उसके अगर आप ओपन करोगे तो नाउ यू कैन सी हियर ऑल द सेगमेंट्स कि क्या क्या है, जैसे TCP लेंथ, कोई पैकेट की लेंथ नहीं है, है ना, प्लस सिक्वेंस नंबर और आओगे तो देखो सीक्वेंस नंबर रॉ में कितना मिल रहा है, प्लस एक्नॉलेजमेंट नंबर रॉ 0, एक्नॉलेजमेंट 0, है ना, कुछ नहीं, रिस्पांस नहीं है, बिकॉज़ वहां से क्या है, फिन पैकेट, देखो फ्लैग कौन सा है, फिन फ्लैग है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो फिन एक सेट है, बाकी सबकी वैल्यूज कैसी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, लाइक इको भी 0 है, अर्जेंट भी 0 है, एक्नॉलेजमेंट भी 0 है, पुश 0 है, रीसेट 0 है, सब 0 है, है ना, रिजर्व वाला भी 0 है, सारे 0 फ्लैग्स पे आ रहे हैं। विंडो साइज इतना है उसका, ठीक है, कैलकुलेटेड विंडो साइज इतना उसे मिला है जितना डेटा पैकेट रिसीव कर पाया है ना, प्लस चेकसम्स हो गए, चेकसम वेरीफाइड अनवेरीफाइड है, ओके, टाइम स्टैम्प अगर हम चेक करें तो कुछ इतना टाइम सेकंड लगा उसे। ठीक है, तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा पैकेट जा रहा है और कितना जा रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको नीचे ले आता हूँ, आई होप तो ये कम्प्लीट हो गया होगा, जैसे 132 पे हमने कम्प्लीट किया,
देखो आरएसटी पैकेट, उसके बाद रीसेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट वहां पे गया होगा, कंप्लीट हुआ है ना। तो उसके बाद देखो यहाँ पे स्टीम में इसने मुझे दिखाया फ्लैग्स में हम चले गए। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, एक्नॉलेजमेंट वहां से आया जब वो कंप्लीट हो गया ना, वैल्यू लेके आया कुछ, तो वैल्यू लेके आया जिसमें इसने बताया कि रीसेट हुआ है बिकॉज ऑफ फिन था, और उसके बाद इसने एक्नॉलेजमेंट दिया क्योंकि वैल्यू वन, जिसका रिजल्ट मिलेगा उसकी वैल्यू वन होगी, अदरवाइज सबकी वैल्यू जीरो दिखाएगा। ओके सो ये हो गया। अब 128 पे हमने पैकेट सेंड करे थे यूडीपी, देखा ना। तो देखो यूडीपी हमने सेंड किया ना, तो यूज यहाँ पे ऊपर भी डिटेल्स है, आप फ्रेम्स चेक कर सकते हो, आप इसके सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वगैरह किस पे जा रहा है वो चेक कर सकते हो, सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, आईपी एड्रेस क्या था, वर्जन 4 पे सेंड हो रहा है, डिफरेंट सोर्स किस किस से जा रहा था, है ना। टोटल लेंथ फ्लैग्स देखो अलग अलग, यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 फ्लैग यूज करे गए। फिर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो कि हमारा यूडीपी की फुल फॉर्म है ना, सोर्स पोर्ट एड्रेस ये था, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस ये था। और ऊपर करते हैं तो हम और डिटेल्स नाउ लुक एट हियर, है ना। तो इससे आप डेटा पैकेट भी चेक कर सकते हो, आप वहां जाके एक बार देखते हैं हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये तो हो गया, अभी ये 55 पर है ना। ओके मैं यहाँ पे दोबारा से गया और मैंने एक बार जो स्कैन किया है, एक बार नल स्कैन भी भेज के देखते हैं दोबारा से, ठीक है। ठीक, तो मैंने अगेन नल स्कैन यहाँ पे यूज किया है, एंटर पैकेट जाने, लेट्स कैप्चर द पैकेट, आ जाओ ये देखो कोई फ्लैग नहीं है, देयर इज नो फ्लैग, है ना। हाँ जी, कोई फ्लैग नहीं है, हम पहले फ्लैग उसमें जा रहा था, देखो सबकी वैल्यू जीरो है, जीरो है हर फ्लैग की, इन नल पैकेट्स हैं। ओके ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दूसरे पैकेट भेजे, मैंने यहाँ पे भेजा और क्या है हमारे पास ACK केवल, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के लिए मैंने एक्नॉलेजमेंट उसको भेजा, नॉलेज कैप्चर द एक्नॉलेजमेंट पैकेट से। अच्छा, मुझे एक चीज यहाँ पूछनी है, ये वाले जो कमांड है, जैसे हम किसी में फिन भेज रहे हैं, किसी में एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं या नन भेज रहे हैं, नन, तो ये रियल सिनेरियो में हमें कहाँ यूज करने को मतलब मिल सकता है। देखो रियल सिनेरियो में ये होता है, लाइक आप उससे देखना चाहते हो, उसको एक्नॉलेजमेंट भेज के ये देखना चाहते हो कि उस पे कनेक्शन एस्टैब्लिश है कि नहीं है। ओके, फिन पैकेट भेज के ये देखना चाहते हो कि इस कनेक्शन अबॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो उसके लिए हम फिन यूज कर सकते हैं। रियल सिनेरियो में एक्नॉलेजमेंट हम भेज सकते देख सकते हैं कि अगर वहां से लाइक अगर कनेक्शन होगा तो उसके पास एक्नॉलेजमेंट जाएगा। ओके, तो हमें पता चल जाएगा एक्नॉलेजमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अब जैसे मैंने इसे ओपन किया तो इसके फ्लैग में मुझे वैल्यू मिल जाएगी एक्नॉलेजमेंट में, सेट हो रखी है, बाकी सब नॉट सेट, नॉट सेट है। ठीक ठीक है, हाँ जी। ओके सो पैकेट हमने सेंड किए थे कुछ इतने, रिसीव्ड हुए कुछ इतने पैकेट, ठीक है। अब आप हर एक को एनालाइज करो, जैसे मैंने केवल एक ओपन किया है, ठीक है, आप हर एक को ओपन करो तो आपको इसमें साइज वगैरह हर एक चीज दिख जाएगी उसकी, समझो। हाँ जी, हाँ जी, हर एक चीज दिख जाएगी, लेकिन ये आपको एनालाइज करने पड़ेंगे, हर एक पैकेट को ओपन करना पड़ेगा। देखो कितने सारे पैकेट सेंड किए गए थे, हमने केवल क्या सेंड किया था, एक्नॉलेजमेंट, तो उससे कितने सारे पैकेट सेट किए, हाँ जी बिल्कुल, है ना। ये देखो 70 डेस्टिनेशन अनरीचेबल, रिपोर्ट नंबर 70 पे इसने भेजा पोर्ट नंबर। ओके, जब इसने आईसीएमपी किया, अब जब आईसीएमपी बीच में को ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है, तो हाँ, इसने दोबारा से जब भेजा तो इसको पता चला कि ये अनरीचेबल है। ओके, है ना, कौन सा डेस्टिनेशन पोर्ट था, 686, इस वाले पोर्ट पे जब भेजा गया ना तो ये अनरीचेबल हो गया। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कौन से डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेजा गया था और कौन से सोर्स पोर्ट से भेजा गया था, ठीक है। अब देखो ये 92 पे क्या है, नेम क्वेरी एनबी डेस्कटॉप, है ना। तो अगर मैं इसका चेक करूं तो नेट बायोस नेम सर्विस है ये कोई सी, तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, नेट बायोस नेम सर्विस, फ्लैग्स हमारे पास, फ्लैग जो है वो दो यहाँ पे सेट किए, ब्रॉडकास्ट पैकेट फ्लैग्स यहाँ पे सेट हो रहा है, क्वेरीज देखें अगर,
क्वेरीज में क्या है, नाम बता रहा है केवल, है ना। उसके हम्म, अंदर जाओगे तो बता रहा है आपको डेस्कटॉप है और ये नाम है उसका, डोमेन कंट्रोलर्स कुछ, सोर्स 137 से था, डेस्टिनेशन भी 137 पे था। तो अलग अलग तरीके हैं, देखो आप कैप्चर किस तरीके से करते हो, इट्स कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक है। ओके। उसके बाद अब क्या है, सेव इट आउट, ये हो गया हमारा, नाउ लेट्स सी, ये हुआ 81, हो जाए जल्दी से। सो फ्लैश कैसे कैप्चर करके देखते हैं, वो सब में आ गया है ना। हाँ अब उसके बाद क्या है आपके पास, आप इसमें ऑल स्कैन यूज कर सकते हो, ये जिसे हम एग्रेसिव स्कैन भी बोलते हैं, ठीक है। जी, तो उसके लिए करना क्या है, जस्ट यूज -A, ठीक है। हाँ तो हमें करना क्या है, एग्रेसिव स्कैन, ये बाय डिफॉल्ट करता क्या है एग्रेसिव स्कैन, ये एक तो आपका नॉर्मल जितने भी अभी तक हमने करी थी स्क्रिप्टिंग, SVC चलाई थी है ना, स्क्रिप्ट्स में, जी वो SVC की सारी स्क्रिप्ट चलाएगा, ठीक है। प्लस स्क्रिप्ट के साथ आपका, आपको क्या करके देगा वहां पर, और भी लाइक ट्रेस रूट पता करके देगा, ठीक है, ट्रेस रूट भी चलाता है, एंड डिफरेंट टाइप्स लाइक उसकी वर्जन्स भी फाइंड आउट करता है, SVC पूरा हो गया तो वर्जन्स भी निकाल देगा, है ना, OS की डिटेल भी दे देगा, तो दे मल्टीपल लाइक कई सारी चीजें हैं वहां पे, क्या करता है फाइंड आउट करके आपको दे देता है, ठीक है। ओके। तो इसको आप रन करो। अच्छा, इस कमांड को चलाने के लिए एक रूल है कि अगर आपके सर्वर की कैपेसिटी नहीं है अच्छी, एंड उस टाइम पे अगर आप इस कमांड को चलाते हो तो मे भी हो सकता है आपका सर्वर क्रैश कर जाए, क्योंकि एक साथ बहुत सारे पैकेट्स को वहां पे क्या कर रहा है, सेंड करता है। सेंड करेगा। ओके ओके ध्यान से, तो बस आपको रन करना है एंड जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। तो अभी मैं 132 पे कर रहा हूँ बिकॉज वॉली IP बिजी है अभी। अच्छा, जो आप कैपेसिटी कह रहे हैं वो स्टोरेज से रिलेटेड है कह रहे हैं आप? कैपेसिटी है कि सर्वर का जो पावर स्ट्रेंथ है, पावर स्पीड। जो है उसकी, वो कितनी है, मतलब वो एक साथ में इतने सारे पैकेट्स को रिसीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे पैकेट रिक्वेस्टिंग पैकेट भेजेगा उसे, है ओके ना। तो अगर उसके पास नहीं है तो वो नहीं ले पाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे इसने स्कैन किया एंड स्कैन करके बताया ऑल द 1000 पोर्ट्स आर फिल्टर्ड बाय द फायरवॉल, राइट। तो इन दैट सिनेरियो मैक एड्रेस मिला, टू मेनी फिंगरप्रिंट्स मिले, OS एक होप, इसने केवल ट्रेस रूट पता कर पाया है जो कि एक होप का बता रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट हो गया था बिकॉज सेम नेटवर्क पे है। तो OS एंड सर्विस डिटेक्शन परफॉर्म एंड यहाँ पे वो क्या हो रहा है आपको दिखा रहा है रिपोर्ट फाइल। तो इसने स्कैन नहीं किया, कंप्लीट स्कैन कंप्लीट किया, बट रिजल्ट हमारे उसमें नहीं मिला ना। अब इसको वेट कर लेते हैं, ये वाली IP हमारी कंप्लीट हो जाए, देन वी आर गोइंग टू स्कैन, परफॉर्म स्कैन ओवर दिस IP, ओके। ओके। ऑलमोस्ट इट्स कंप्लीटेड, 99.9%, 99.99%। ओके, सो देखो इसने स्कैन किया एंड स्कैन करके इसने मुझे रिजल्ट दिया कि UDP स्कैन किया इसने 1000 पोर्ट्स के ऊपर, जिसमें इसको मिला क्या है, 993 पोर्ट्स का क्लोज पोर्ट बता रहा है, एंड जो रेस्ट पोर्ट आपके मिले हैं वो 53 इज ओपन, डोमेन सर्विस 68 इज ओपन एंड फिल्टर्ड बाय द DHCP PC, है ना। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यूज हो रहा है फायरवॉल, ठीक है। जी 69, 111, 137, 138 एंड 2049, ठीक है। अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग पोर्ट्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्टिव है उनके, वो बता रहा है मैक एड्रेस आपको बता रहा है, एंड जो भी आपने पैकेट सेंड किए थे टोटल इतने रिसीव कितने हुए, टोटल 1081 पैकेट्स हाँ जी, ना। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, हमने कौन सा स्कैन करना था, ऑल स्कैन, राइट। ओके तो हम यहाँ पे दे देते हैं स्पेस -A, एंटर। So, इसने देखो क्या किया, सबसे पहले इसने NAC की तो सारी स्क्रिप्ट्स को लोड कर दिया है, ठीक है, एंड स्कैन करके 23 सर्विसेज के ऊपर स्कैन कर रहा है, लेट्स सी द रिजल्ट।
सो इसने स्कैन करके यहाँ पे रिजल्ट निकाला एंड लेट्स सी द रिजल्ट। तो देखो हर एक चीज स्कैन हुई है यहाँ पे, है ना। सबसे पहले तो इसने पोर्ट स्कैन किए हैं, स्टेट सर्विसेज एंड वर्जन भी स्कैन किए हैं। एंड अगर आपको याद हो जब हमने वर्जन स्कैन किए थे उसके बाद जब हमने डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग चलाई थी सी के थ्रू, तो उसने मुझे ये सारी डिटेल्स दी थी, है ना। ये सारी डिटेल यहाँ पे इसने फाइंड आउट करके दी है। तो नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ, सर्वर आपको इन्फो इसकी भी डिटेल दे रहा है। अब देखो यहाँ पे डिवाइस टाइप भी बता रहा है, रनिंग ओएस भी बता रहा है, ओएस का टाइप भी बता रहा है, कर्नल कौन सा है, ओएस डिटेल में आपको बता रहा है किस चीज का है, एंड अप टाइम बता रहा है, प्लस नेटवर्क डिस्टेंस बता रहा है, एंड होस्ट नेम सर्विस का बता रहा है क्या है, प्लस उसके साथ में आपका डिफरेंट इनुमरेशन पार्ट भी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इनुमरेशन में आपको ये बता रहा है कि जो आपका नेट बायोस है, जो एनबीटी स्टेट होता है, नेट बायोस नेम वो क्या है इसका, नेट बायोस नेम भी बता रहा है, दैट इज मेटास्प्लॉइटेबल, ठीक है। नेट बायोस यूजर अननोन बता रहा है, नेट बायोस मैक एड्रेस अननोन बता रहा है, प्लस नेट बायोस के साथ कुछ रिजल्ट्स होते हैं जैसे कि 00 हो गया, 03 हो गया, ये सारे फ्लैग्स हैं जो कि यूनिक हैं। अब आगे चल के जब आप इनोमिनेशन करोगे तो उसमें ये फ्लैग्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हैं ये, ठीक है। एसएमबी ओएस डिस्कवरी यहाँ पे ये कर रहा है, तो ओएस डिस्कवरी की डिटेल दे रहा है, एसएमबी सिक्योरिटी मोड की डिटेल दे रहा है, ट्रेस रूट चेक किया, पोस्ट स्क्रिप्टिंग चलाई, पहले प्री स्क्रिप्टिंग करी थी, अब पोस्ट स्क्रिप्टिंग, 1026 पैकेट सेंड किए थे और रिसीव कितने हुए, 1016 पैकेट। तो दिस इज कंप्लीट स्कैन ऑफ एग्रेसिव, ओके ठीक है। सो ये आपके एनमैप पे कुछ कमांड्स हैं जो हमने यहाँ पे यूज करे, बाकी जब हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग पे आएंगे तब हम और यूज करेंगे, हम किसी और टॉपिक पे आएंगे देन वी विल यूज मोर स्कैन्स, ओके ठीक। अब कुछ बात कर लेते हैं अपने थोड़ा सा और चैप्टर की। तो इसमें क्या है आगे की, अगर मैं हम स्कैनिंग देखें तो नेक्स्ट होता है जैसे ओएस फिंगरप्रिंटिंग एंड बैनर ग्रैबिंग जो हमने अभी करी है, बट स्टिल लेट्स डिस्कस। तो ओएस फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन अ टारगेट मशीन। आपके टारगेट मशीन पे जो भी रनिंग सिस्टम है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना, दिस इज अ पार्ट ऑफ ओएस फिंगरप्रिंटिंग। इसमें दो टाइप से होती है, एक तो एक्टिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग होती है, एक पैसिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग होती है, ठीक है। सो इसको करना कैसे, आई विल टेल यू। पैसे अगर हम बैनर ग्रैबिंग की बात करें तो बैनर ग्रैबिंग क्या है, बैनर ग्रैबिंग इज सिमिलर टू ओएस फिंगरप्रिंटिंग, बट एक्चुअली बैनर ग्रैबिंग डिटरमाइन द सर्विस दैट आर रनिंग ऑन द टारगेट मशीन। ये पता करता है कि टारगेट मशीन के ऊपर कौन सी सर्विस रन कर रही है, ठीक है। ये केवल ओएस के डिटेल देता है फिंगरप्रिंटिंग, जबकि बैनर ग्रैबिंग आपको ये भी बताता है कि सर्विस कौन सी चल रही है, यानी कि कर्नल भी कौन सा उसका, ठीक है। जिसके लिए हम कई बार टेलनेट का भी यूज करते हैं बैनर ग्रैबिंग की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो उस केस में जब हम अपना वो करेंगे क्या कहते हैं इनोमिनेशन पार्ट, तो उसमें बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। अभी जो हमने यूज करा था दैट इज अ मेथड ऑफ एक्टिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग एंड द बैनर ग्रैबिंग मेथड, जिसमें एनमैप कैन इजीली परफॉर्म एक्टिव बैनर ग्रैबिंग फॉर ओएस डिटेक्शन। एनमैप अलाउड टू सेंड TCP and UDP packet and observe the response from the targeted host IP, जो अभी तक हम कर रहे थे, like nmap के through -o and the IP address, ठीक है। अब next तरीका होता है passive OS fingerprinting। तो passive अगर हम OS fingerprinting या banner grabbing करते हैं तो उसमें क्या है, passive OS fingerprinting performed by the analyzing network traffic along with the spatial inspection of the lifetime to live TTL के बेस पे एंड उसके विंडो साइज के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया TTL हो गया TCP विंडो साइज, तो अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे तो नियर ऑफ 64 एग्जैक्ट वैल्यू 64 होती है, बट अगर नियर ऑफ 64 भी है लाइक कम है या ज्यादा है, 64 के नियर है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसका विंडो साइज 5840 अगर नियर है तो उसका विंडो साइज चेंज भी हो सकता है। Google customized Linux है, that is also having a 64 TTL, but the window size is differ. FreeBSD, that is also a TTL 64 and the window size is differ. Windows XP, अगर मिलता है तो near of 128. 128 is the actual value, but sometimes on the server the value is basically near of 128, like 120 हो सकता है, या फिर 124 हो सकता है, या फिर 130 के around हो सकता है ना, वैसे 130 बहुत rare मिलता है, below of 128 ही मिलते हैं हमें ज्यादातर, ठीक है। तो उसका विंडो साइज अलग है, अब विंडोज विस्टा 7 या कोई सर्वर है तो उसका अलग है, प्लस सिस्को राउटर्स
जो कि 255 पे चलते हैं, इसका विंडो साइज अलग है। सो कैसे पता करोगे? जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग, हमारे पास क्या होता है, पिंक पैकेट होते हैं जिन्हें हम आईसीएमपी पैकेट बोलते हैं ना, पिंक कमांड। तो हमने नॉर्मली पिंक किया, पिंक www.gwgle.com। सो टेल मी ये किस टाइप का ओएस होगा? स्कैन मत करना पीछे, देखो चीटिंग होगी। विंडो सर्वर ही होगा मेरे ख्याल से, शायद लगता है मुझे। विंडो क्यों? क्योंकि मोस्टली वही देखे हैं, विंडोज या लिनक्स ही हो सकता है, उसके अलावा तो मेरे को मतलब कुछ है नहीं लग रहा। भाई मैं पूछ रहा हूं, तो व्हाट डू यू थिंक, गूगल इज यूजिंग व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, को विंडोज और लिनक्स? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद लिनक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल उसमें टूल्स ज्यादा होते हैं सिक्योरिटी के लिए शायद, मतलब। अच्छा एक चीज बताओ, सिक्योरिटी पर्पस से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर प्रोवाइड अ सिक्योरिटी ओवर अ सर्वर और लिनक्स? मेरे ख्याल से लिनक्स में जैसे अभी हम काम कर रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल टूल्स ज्यादा है, दूसरा विंडोज से लाइट है ओएस। मैं ओएस की बात ही नहीं कर रहे ना, हम बात कर रहे हैं सर्वर की। सर्वर पर भी अगर ओएस है आपका, लाइक आप एक वेबसाइट को लॉन्च करते हो किसी भी पैनल पे, तो उसमें विंडोज का आपका ज्यादा बेटर होता है या लिनक्स, ऑन द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी? वैसे बताना थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन ही है, क्योंकि विंडोज में भी अपडेट्स भी आते रहते हैं, मतलब जो भी वल्नरेबिलिटीज होती है उसके लिए पैचेस आते रहते हैं। एएसपी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी वेबसाइट बनाई जाती है, दैट इज मोर सिक्योर देन द अदर टेक्नोलॉजिकल वेबसाइट। ओके, तो एएसपी की जब भी वेबसाइट बनती है तो वो विंडोज सर्वर के ऊपर लॉन्च करी जाती है। अच्छा, तो लेट्स सी कि गूगल जो है वो कौन सा यूज करता है सर्वर, ठीक है, किस टाइप का। सो नाउ यू कैन सी हियर गूगल इज यूजिंग 120 TTL कितना है 120, एंड 120 रेंज किसमें आ रही है हमारी, विंडोज के, विंडोज के सर्वर में, ठीक है। ओके सो एक दो और करते हैं, लाइक हमने गूगल ले लिया, फेसबुक का क्या बोलते हो? देख लेते हैं, विंडोज ही होगा फिर, विंडोज ही होगा मेरे ख्याल से, मतलब इट्स अ नॉर्मल लाइक खेल रहे हम तो, है ना। हां जी, फेसबुक का चलो चेक करते हैं। अच्छा ठीक है, जस्ट प्ले गेम। विंडो फेसबुक यूज करता है लिनक्स, ओके ठीक है। नाउ लेट्स अगेन, अब मैं लेता हूँ यहाँ पे विप्रो, क्या बोलते हो? विप्रो तो विंडोज हो सकता है, या हो सकता है लिनक्स में। अच्छा, विंडो साइज नहीं पता लगेगा ना इसमें हमें, इसमें विंडो साइज नहीं पता लगता है। विंडो साइज अगर आपको देखना है तो आपको फिर उस पे क्या कहते हैं, वायरशार्क पे पैकेट को कैप्चर कर लो, ये जो जा रहे हैं उसमें दिख जाएंगे विंडो साइज। तो विप्रो हो सकता है विंडोज हो, क्योंकि मेरे विंडोज और लिनक्स का ही ऑप्शन है ना हमारे पास। विप्रो यूज करता है डेडिकेटेड सर्वर। ओके, 247 सिस्को राउटर्स। ओके, तो ये सिस्को के अलावा भी कोई और भी हो सकते हैं राउटर, या सिर्फ सिस्को? हाँ, ये नहीं, केवल सिस्को के ही नहीं हो सकते ये, अगर आप डेडिकेटेड सर्वर लेते हो तो उसमें ये राउटर्स देते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि और कौन कौन से राउटर्स हैं इसमें, ठीक है। तो अब एक और ले लेते हैं, लास्ट वन, अमेज़न। ओके, क्या कहते हैं अमेज़न, क्या लगता है अमेज़न कौन क्या यूज करता होगा? Amazon Windows कर रहा होगा इसमें, वो actually Amazon में वो M हो गया last में ना। Oh, okay, okay. My mistake. Amazon. ये भी Cisco का use कर रहा है, मतलब routers है directly, server से connected है directly. Okay. Clear? ठीक है, तो अभी हमने यूज किया था एनमैप, अब हम यूज कर रहे हैं HPing 3। HPing 3 में अलग अलग टाइप के स्कैनर, जैसे -1 हो गया जो आपके आईसीएमपी पैकेट स्कैन करने के लिए होता है,
माइनस ए हो गया जो एसी के पैकेट स्कैन करने के लिए होता है, माइनस एट केबल स्कैन के लिए होता है जिसमें हम सिंक्रोनाइजेशन पैकेट स्कैन कराते हैं 1 से लेके 600, ये पोर्ट नंबर है ठीक है। प्लस आप फिन स्कैन करा सकते हो, पुश स्कैन करा सकते हो, अर्जेंट स्कैन करा सकते हो, तो अलग अलग टाइप के फ्लैग है यहाँ पे है ना, तो फ्लैग्स को स्कैन करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं कैसे करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अगेन। नाउ आपको करना क्या है, एंड सबसे पहले हमें स्कैन, अच्छा इसके बारे में जानना है तो जस्ट माइनस एच लगा दो तो ये आपको सारे वो दिखा देगा। जैसे हमने माइनस ए यूज किया है एसी के लिए, टी यूज किया है पुश के लिए, आर आर एस टी के लिए, एस सिंक्रोनाइजेशन के लिए है ना, यू ऑब्जेक्ट के लिए, फिर और ऊपर आ जाओ तो आईसीएसडी टाइप आप बता सकते हो, ई को रिक्वेस्ट अगर आपको देखनी है केवल, माइनस माइनस या माइनस सी लगा दो केवल आईसीएमपी पैकेट के लिए ठीक है। या फिर आप इसमें मोड बनाना चाहते हो कौन सा मोड यूज करो, तो मैंने कहा कि आईसीएमपी मोड यूज करो, तो माइनस आई लगा, माइनस वन लिख दिया मैंने, तो आईसीएमपी मोड बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा है। यूडीपी स्कैन यहाँ पे करा सकते हैं माइनस टू की हेल्प से, माइनस एट नौ स्कैन मोड में आता है जिसमें जो स्कैन है वो एचपिन 3 पे बाय डिफॉल्ट जो हम यूज कर रहे हैं क्या कहते हैं अपने स्कैन वो किसी पोर्ट के बीच में करेंगे ठीक है। तो उसमें जैसे मैंने दे रखा था 1 से 600 के बीच में, 1 से 30 के बीच में, अगर आपको ज्यादा सारे देने हैं तो कॉमा लगा के ले दो, 70 to 90 के बीच में, माइनस एस इसलिए स्कैन करने के लिए कौन सा सिंक्रोनाइजेशन ठीक है, और टारगेट या होस्ट का आईपी एड्रेस दे दो, माइनस 9 से लिसन कर सकते हैं उसको ठीक है। अगर माइनस ए दे दिया तो आप स्पूफ सोर्स आईपी एड्रेस दे सकते हो, आप चाहते हो किसी और आईपी एड्रेस से जाए है ना, तो माइनस ए के साथ उसका आईपी एड्रेस लिख दो वहां पे, तो स्पूफ हो जाएगा सोर्स आईपी एड्रेस, मतलब आपका आईपी एड्रेस नहीं वहां पे शो करेगा किसमें, पैकेट कैप्चरिंग में ओके। तो लेट्स सी, अरे स्पूफ वाला उसमें नहीं है, एनमैप में नहीं है ना, बिल्कुल कौन सा स्पूफ वाला, हां जी स्पूफ वाला एनमैप में, लेट्स सी मैंने भी ध्यान नहीं दिया, एचपिन 3 में तो होता है देखो स्पूफ के लिए है ना, क्योंकि हम आईपी एड्रेस को स्पूफ कराते हैं। इवन यू कैन यूज अ रैंडम सोर्स आल्सो, माइनस माइनस रैंडम सोर्स लगा दोगे ना तो जो भी पैकेट जाएंगे ना वो रैंडम सोर्स से जाएंगे। ये तो दे रखा है टी वाला ठीक है, ओएस दे रखा है, स्क्रिप्ट दे रखी है आर्गुमेंट के साथ, स्क्रिप्ट स्कैन सर्विस स्कैन ओके पोर्ट, हम सर्च क्या कर लेते कि वो और आईपी स्पूफ हो सकते नहीं हो सकते, आईपी स्पूफ हो सकते नहीं, लग तो नहीं रहा, नहीं नहीं इसमें नहीं, ओके मैंने एचपिन 3 माइनस मैंने 1 दिया सबसे पहला आईसीएमपी मोड के लिए, एंड यहां दिया 192.168.223.128, नाउ जस्ट प्रेस एंटर एंड इट विल गिव यू द सेंडिंग पैकेट, दैट इज टीटीएल भी पता चल रहा है मुझे, 64 एएम लिनक्स मशीन है, ये आईसीएमपी पोर्ट सेट हो गया है यहां पे है ना, अब ये भेजता रहेगा। मैं अगर यहां पे जाके पैकेट कैप्चर करूं वायरशार्क के थ्रू तो आपको दिखेगा यहाँ पे पैकेट जाते हुए क्योंकि इस पे जा रहे होंगे, लुक एट हियर आईसीएमपी मोड पे 128 पे है ना। हमें जैसे कोई सारे पैकेट देखो, ये इसका रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे आईसीएमपी भेजा ठीक है वो क्या, और ये रिक्वेस्ट पैकेट गया था 129 से 128 पर ठीक है, और ये उसका रिप्लाई आया 128 से 129 पर, हां जी तो हमने जब इको किया उसे तो उसने इको का रिप्लाई भी दिया है, हां जी हां जी क्या आएगा, एक बार आएगा रिक्वेस्ट पैकेट का रिप्लाई ओके, तो रिक्वेस्ट पैकेट हमने जो भेजा वो यहां पे दिख रहा है आपको, और जो रिप्लाई आ रहा है वो हमें नीचे दिख रहा है, ये लो ठीक है ओके हां जी, तो ये चलता रहेगा हमारा स्कैन तो है ना, चलो शुरू हो देते हैं। एक बार पैकेट कैप्चर पे यहाँ पे आते हैं, देखो TTL 64 लिख रहा है ठीक है, एक्सेस में विंडो साइज
आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें, अभी तो नहीं दिखा रहा, सिक्वेंस दिखा रहा है बट विंडो साइज नहीं दिखा रहा है ना। तो आर होगा, वही है। हार्डवेयर साइज विंडो साइज मेरे ख्याल से आता है शायद, या तो मुझे याद है, लेकिन नहीं, अगर आएगा तो यहाँ पर हमें दिखेगा है ना, अगर हाँ इनमें किसी में होगा शायद। होगा तो डेफिनेटली दिखेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं फ्लैग दिखेगा। है, प्रोटोकॉल दिख रहा है, स्टेटस और डेस्टिनेशन देयर इसमें नहीं, नहीं दे रहा, नहीं है फिर। बता रहा है कि हम आईसीएमपी यूज कर रहे हैं, नहीं इसमें नहीं दे रहा है आपको। ओके सो वापस आ जाओ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दूसरा स्कैन यूज किया है एंड जो हमारा नेक्स्ट स्कैन है दैट इज एसी के पैकेट्स के लिए। तो हमने माइनस ई का भी यूज कर लिया एंड एंटर किया। एंटर करते ही इसने मुझे जो रिक्वेस्ट फ्लैग जो है आर साइन हुआ है यहाँ पे, रिक्वेस्ट सीक्वेंस जा रहा है, विंडो साइज 0 देखो यहाँ पे दिखा रहा है, विंडो साइज 0 है क्योंकि नॉलेज में डैम को भेजा नहीं है ना उसको। सी द बैक साइड, नाउ लुक एट हियर, एक बार एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, फ्लैग कौन सा आर सेक्टर रीसेट वाला है ना, 129 से 128 पे गया एसी के, तो उसका जो वहां से रिस्पांस आया वो रीसेट आया यहाँ से रिप्लाई। ठीक है, तो मुझे रिप्लाई किया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है बिकॉज आपने किसी फ्लैग पे या किसी उस तरह सेंड किए नहीं है पोर्ट पे, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है ना, एक्नॉलेजमेंट तो होना चाहिए ना साथ में, बना हुआ बने ही नहीं है। तेरे को विंडो साइज दिखा रहा है 5.2, ये देखो एक्नॉलेजमेंट सेट है ना। अब अगर वहां पे हम चेक करेंगे तो डेफिनेटली हमें रीसेट दिखाएगा। तो ड्रॉ लैंड ओके, ये देखो रीसेट सेट है ठीक ना, विंडो साइज इसने कैलकुलेट किया -1 0, स्केलिंग -1 है और विंडो साइज जो किया है वो 0। नेक्स्ट मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे यूज किया, स्कैन कर रहा हूँ मैं, ठीक है -8 एंड पोर्ट दे देते हैं, मैंने यहाँ से दे दिए 1 से लेके 1000 पोर्ट एंड सिन पैकेट को सेट करना। ठीक है, नाउ डन किया, स्कैन कर रहा है, स्कैन करके इसने देखो रिजल्ट दिया, नाउ लेट्स सी द स्कैन रिजल्ट। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये देखो स्कैन हुआ, ये वाले है ना, ये वाले जी हाँ ये वाले पैकेट लेंथ 0 सेट हुई इतना यहाँ पे, रेंज 40 यही है ना लास्ट में, 46। ये वाला आ रहा है देखो, 1 मिनट -3 सॉरी कैपिटल भी होता है शायद, हाँ ये वाले ये देखो रीसेट एंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो लुक एट हियर, इसमें कुछ में रीसेट एक्नॉलेजमेंट की जगह जिनसे रिसीव हुआ है उनके पास कुछ और आना चाहिए, हमें ये इधर पैकेट नंबर ये जो है ना, इसमें देखो सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट आया, इसमें रीसेट एंड एक्नॉलेजमेंट आया। ठीक है, तो हमें पैकेट ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है हमारा ये। वायशार्क में ना बड़ा चैलेंजिंग लगता है ढूंढना पैकेट थोड़ा। नहीं आप वैसे तो फिल्टर लगा सकते हैं ऊपर यहाँ पे है ना, चलो मेरा फिलहाल हमें मिल गया है ना, देखो सेंड भेजा था इसने, ये लो सोर्स डेस्टिनेशन, ये लो सेट है यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन सेट, उसका रिप्लाई भी आया होगा। ओके
सिम भेजा था ना, तो उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे हमें कहीं मिल रहा होगा। सिम सेट है, बढ़िया। एक्नॉलेजमेंट नीचे कहीं आ रहा होगा इसका। सेम सेम ये रहा एक्नॉलेजमेंट, ये लो जो पैकेट सेट किया उसका एक्नॉलेजमेंट भी आ रहा है ना। जी तो वायरशार्क में थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, बट स्टिल इट्स गुड ढूंढने के लिए, अगर ढूंढने तो आराम से मिल जाता है। तो इससे आपको कनेक्शन पता चल जाता है कौन कौन ले रहा है कौन कौन नहीं ले रहा है। तो इससे सबके मुझे रिप्लाई दिखा दिए, बढ़िया। फिर उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, लाइक पैकेट्स वो सेंड कर सकते हैं फ्लैग्स के ऊपर, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे बी लगा रहे देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे कहा कैपिटल एफ फिन के लिए, माइनस पी पुश के लिए, एंड माइनस यू अर्जेंट के लिए, ठीक है। एंड एंटर। क्या कह रही है, यू मस्ट स्पेसिफाई ओनली वन टारगेट एट मोस्ट। ओके वो मेरे यू के पहले स्पेस है शायद उसकी। पहले स्पेस आ गया है, नॉट दैट है। बढ़िया, तेरे को सीक्वेंस वाइज दिखा रहा है, है ना, एक एक सेट दिखा रहा है। अब एक बार देख लें वायरशार्क पे भी अपना। फिन पुश अर्जेंट, फिन पुश अर्जेंट जो मिल रहे हैं उसमें एसी के रीसेट और एसी के जा रहे हैं, ये मेरे से नहीं मिल रहा है उनके नॉर्मली। देखो जैसे ये डेटा पैकेट यहाँ पे मिला था, है ना, ये वाला देखो, ये वाला सिन हुआ, किसी ने सिन किया था, आ गया ये। अरे ये वाला सिंग गया, ठीक है। और उसकी तरफ से हमें फिर रिस्पॉन्स इस वाले पोर्ट पे मिला, ठीक है। हां जी, एंड और हमें रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अपने इस पे फायरशार्क पे कि किसका मिल रहा है किसका नहीं मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका कि हम किस तरीके से स्कैन करते हैं डिफरेंट 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 टूल्स का यूज करके अलग अलग टाइप के, है ना। इसके लिए कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे कि आपका बैनर ग्रैबिंग टूल्स, अगर हम देखें बैनर ग्रैबिंग पता करने के लिए, तो या मल्टीपल टूल्स जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो इसमें हम जो टूल्स यूज कर रहे हैं इस समय वो हम करेंगे एक्सप्रो और अपना P0F, ठीक है। तो P0F टूल जो है वो आपका स्निफिंग टूल भी कहलाता है, कई बार स्निफिंग में भी यूज करते हैं। एंड एक्सप्रोब टूल जो है वो हम यूज करते हैं अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश है तो ये आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। ओके, और अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है तो ये आपको रिजल्ट में कुछ अलग ही लैंग्वेज दिखाता है। तो एक्सप्रोब टू प्री इंस्टॉल टूल नहीं है, बट आप इसको इंस्टॉल करा सकते हो। देयर इज वेरी सिंपल कमांड दैट इज apt install एक्सप्रोब टू, ठीक है। तो कैसे करना है, लेट्स सी। तो आपको यूज करना है apt get या इंस्टॉल आएगा, कोई भी यूज कर लो, apt install xprobe2, ठीक है। probe xprobe2 तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस टूल, ऑलरेडी हैव दिस टूल। तो मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं where is, अगर आपको सर्च करना है आपके पास है कि नहीं है, तो where is you, where is xprobe2, enter। तो आपको दिखा देगा कि ये डायरेक्टली में आने वाला है, ठीक है, zip file। okay, so launch करने का there is very simple method, you just use xprobe xprobe2 space the IP address या फिर domain name, दोनों दे सकते हो, ठीक है। 168.223.128 just press enter।
तो इसने देखो स्कैन क्या किया है, सबसे पहले ये देख लो, इसने टोटल यहाँ पे 13 चीजें स्कैन में लगाई है, ठीक है। पहला है पिंग, आईसीएमपी पिंगिंग अटैक किया है, दूसरा टीसीपी पिंग किया है, तीसरा यूडीपी पिंग किया है, चौथा टीटीएल कैलकुलेशन करी है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन पोर्ट स्कैन किया है किसका, यूडीपी एंड टीसीपी दोनों, ठीक है। फिर इसने आईसीएमपी इको किया है, रिक्वेस्ट पैकेट भेजे फिंगरप्रिंट के लिए, फिर इसने टाइम स्टैम्प चेक किया है, मास एड्रेस मास चेक किया है, प्लीज इसने आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल, जो जहाँ पे अनरीचेबल पोर्ट्स हैं उनके ऊपर ट्राई किया है, प्लस टीसीपी हैंडशेकिंग देखी है, टीसीपी रीसेट देखा है, प्लस एसएमपी के ऊपर स्कैन किया है एंड एसएनएमपी के ऊपर स्कैन किया है, ठीक है। जी तेरा टोटल 13 मॉडल्स के ऊपर इसने स्कैन करके यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया है, लेट्स सी कि इसको क्या रिजल्ट मिला है। पहला टीसीपी पिंग तो कैंसिल हो गया, नो क्लोज एंड नो ओपन पोर्ट्स इसको मिल गए, ठीक है। टेस्ट फेल, दूसरा वाला ही टेस्ट फेल हो गया। फिर इसने गैस किया यहाँ पे, तो इसे गैस में 50% मिला है कि हो सकता है ये वाला हो, प्रोबेबिलिटी है इसे ट्राई जिसे लगता है, ठीक है। कह रहा है टारगेट अलाइव है, ओके मॉडल ठीक है। फिंगरप्रिंट एसएमबी नीड आईडर पोर्ट 139 एंड 445 टू रन एंड यूडीपी स्कैन 161 इज ओपन नाउ। इसने स्कैन किया, स्कैन करके इसने प्रोबेबिलिटी में यह जो स्कैन दिखाया ना, ये रिजल्ट है इसका, बट किसी भी अदर ही लैंग्वेज में है। तो ये तब आपको एक्चुअल रिजल्ट देगा अगर आपका उसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो। तो जब हम सिस्टम हैकिंग करेंगे तो उस टाइम पे जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा ना, तो ये आपको एक्चुअल रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो उस आपको रिजल्ट मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज क्या हो रखी है, कनेक्टेड है, ठीक। तो ये जो ये दिखा रहा है कि इसने इतने पोर्ट्स पे स्कैनिंग करा करी है, ये वैसे शो नहीं करता क्या मैं कौन से पोर्ट्स का इन्फॉर्मेशन उसके बारे में? मतलब इसमें जैसे ऊपर आ रहा था कि 13 चीजें जो करी है, जिसमें एक पोर्ट्स वाला था। ये वाला पोर्ट स्कैन जी नहीं, ये आपको ये नहीं दिखा रहा कि हम किस पोर्ट पे कर रहे हैं, बता आपको ये बताता है कि टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट स्कैनर यूज किया है इसने, बस इतना ही बताएगा, ठीक है। अब आप इसे किसी उस पे भी चला सकते हो, वेबसाइट वगैरह पे भी। तो इसने भी यहाँ पे बताया, बट देख लो लैंग्वेज क्या है। नाउ लुक एट हियर, ये देखो ये है कौन सी, पहले आइडेंटिफाई करो, कुछ और ही लिख के ले रहा है। तो अगर मैं 1 मिनट, अगर मैं इसको कनेक्टिविटी दे दूं, जिसके दूसरा यूज करते हैं, दैट इज पी ड्राइव है क्या, इट इज अ पैसिव टीसीपी आईपी स्टैक फिंगरप्रिंटिंग टू एंड पी जीरो स्कैन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द रनिंग सिस्टम या सिस्टम रनिंग ऑन द मशीन दैट सेंड नेटवर्क ट्रैफिक टू द बॉक्स इट इज रनिंग ऑन एंड और मशीन दैट शेयर अ मीडियम विद द मशीन इट इज रनिंग ऑन एंड पी जीरो एफ कैन ऑल्सो असिस्ट द एनालाइजिंग अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द रिमोट सिस्टम, ठीक है। तो इसको वही है, सबसे पहले सर्च कर लेते हैं पी जीरो एफ है कि नहीं है, तो वेयर इज P0F, एंटर किया तो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, नहीं होगा तो इंस्टॉल करने का सिंपल कमांड apt इंस्टॉल P0F, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इसके लिसनिंग सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा लिसनिंग में पोर्ट कौन कौन से एक्टिव है, ठीक है। तो उसके लिए जो यहाँ पे यूज होगी कमांड दैट इज P0F स्पेस माइनस L, तो यहाँ पे देख लेते हैं इंटरफेस कौन कौन से अवेलेबल है। तो इंटरफेस जो है हमारे पास इतने सारे दिखा रहा है, बट जिसमें आईपी है वही यूज कर सकते हैं, जैसे ईपीएस तीनों पे आईपी मिल रही है एंड लोकल पे मिल रही है, ठीक है। तो मैं जो इंटरफेस यूज करूंगा वो ETS 0 यूज करूंगा, ठीक
है, यूज करने का तरीका है वेरी वेरी सिंपल। आप यहाँ पे बताओ कि आप कौन सा इंटरफेस उसके साथ यूज करने वाले हो फॉर द लिसनिंग मोड में। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ दैट इज माइनस आई एंड इंटरफेस दैट इज जीरो स्पेस। यहाँ पे हम प्रोमिसियस मोड स्टार्ट करेंगे एंड प्रोमिसियस मोड का मतलब होता है लिसनिंग मोड। ठीक है, तो करते हैं हाइफन पी। ठीक है, ठीक है, नाउ जस्ट प्रेस एंटर। अब एंटर किया मैंने, स्टार्ट हुआ। नाउ अब आपको करना क्या है, एक टैब ले लेते हैं यहाँ से फायरफॉक्स, एंड फायरफॉक्स में देखो जैसे मैंने फायरफॉक्स ओपन किया है इसमें कुछ पैकेट कैप्चर किए थे वहां पे, फायरफॉक्स के साथ जो हो रहे हैं दिख रहा है, ये देखो एसी के एक्नॉलेजमेंट क्या क्या है, इवन एंड इट विल शो यू द अप टाइम आल्सो। जी ओके, थर्ड मॉडल मैं आपको इसको अगर मैंने इसमें ओपन किया है तो मैं फायरफॉक्स पे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इट इज 192.168। Now just look at here. यहाँ पे आईपी के साथ आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, एंड इसमें मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, लेट्स सी। और आ जाओ इसमें वो कैसे आपको पता लगा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया? अच्छा ये रहा ना, ओके जी, 129 वाला अपना है अभी मशीन है, सर्वर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बता रहा है, ठीक है, रॉ सिग्नेचर्स बता रहा है हमें, तो रॉ सिग्नेचर्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये हेडर्स होते हैं पूरे, ठीक है, सिग्नेचर्स हेडर्स जिसे हम बोलते हैं वो हमें मिल रहे हैं। और ऊपर जाओगे तो देखो 128 में हमें लैंग्वेज भी बता रहा है इंग्लिश है, ऐप किसके थ्रू ओपन किया गया है तो ऐप बता रहा है हमें, ठीक है, प्लस रॉ सिग्नेचर ये हमें ऐप का बता रहा है मोज़िला फायरफॉक्स का, ठीक ओके, इसे हेडर, ये हेडर है हमारा इसका मोज़िला फायरफॉक्स का, ठीक है, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो देखो 128 के साथ एक और कनेक्टिविटी है जिसमें हमें ये तो कुछ नहीं दे रहा खास, ओके, ये भी हमें रॉ सिग्नेचर में टाइम वगैरह बता रहा है। देखो यहाँ पे आपको बता रहा है ओएस किस टाइप का है जो हमने ओपन किया है, हाँ जी लिनक्स अभी 28 पे ओएस कौन सा है, लिनक्स ओएस है, ठीक है, तो हमें एक तरीके से एक एक करके देखते हैं क्या क्या पता चला। हमें सर्वर आईपी एंड पोर्ट नंबर पता चला, हाँ जी ठीक है, दूसरा में रनिंग ओएस पता चला लिनक्स से पता लग गया, इससे हमें कुछ पैरामीटर भी पता नहीं चले, नन दिखा रहा है पैरामीटर, देखते हैं किसी और में मिल जाए। सिग्नेचर गिवन बाय सर्वर, सिग्नेचर पता चल रहे हैं, हाँ जी सिग्नेचर राइट, फिर उसके बाद डिवाइस अप टाइम, ओके लेट्स सी दैट, यहां पे देखना कहीं पे अप टाइम लिख के आ रहा होगा, इवन एंड आपको ये भी बता रहा है आपके किस मशीन से, देखो ये 132 जो मेरी दूसरी वाली ओपन है ना उसका भी दिखा रहा है, ओके हाँ जी है ना, तो उसका भी दिखा रहा है। और देखो कनेक्शन अपना सेम वाला देखना जिससे सेम पे हो, तो इसमें और नहीं है, नीचे आओ HTTP रिस्पॉन्स आ रहा है, कनेक्शन दोनों के बीच का कनेक्शन अच्छा हमें पता चल रहा है, ठीक है, पोर्ट किस किस पोर्ट से किस पे कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है, ओके, एंड ड्रॉ सिग्नेचर्स भी हमें मिल रहे हैं,
है, हमें बस क्या अभी देखना है, डिवाइस अप टाइम। ओके लेट्स सी डिवाइस अप टाइम कहाँ है, पोस्ट एसी के म्यूटेक्स, ये रहा। नहीं ये तो दूसरे उसके साथ है, तो अच्छा उसी का एक सर्वर है, उसी के साथ हो रहा है, उसी में एक सर्वर चल रहा है ना, उसका ओके दिखा रहा है कि नहीं, जो सर्वर ये वाला चल रहा है 52 वाली आईपी का, इसका दिखा रहा है कि 6 दिन 15 आवर या 17 मिनट पहले इसको 49 मॉडल ऑफ 49 में देखना, हमने इसे पहले एक्सेस किया है। तो और है वन डॉट 66 कोई आईपी है, उस पे भी रिक्वेस्ट गई है, 1.32 से रिक्वेस्ट गई है उस पे। क्या ओके सारे पैकेट में कैप्चर लिए एक तरफ से। 23 इसमें नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो जी कोई नहीं, हमें इसमें नहीं दिखा रहा, हम एक काम करते हैं, पहले तो ये वाली मशीन ऑफ करते हैं ताकि हमें कनेक्शन अच्छे से मिले। ओके मैं फायरफॉक्स ओपन करूंगा इस बार ही, लेकिन फायरफॉक्स के अंदर वेबसाइट ओपन करता हूँ, लाइक मैं करता हूँ यहाँ पे pro.in, ठीक है, लेकिन जी उससे पहले मैं अपने शेल पे एक बार दोबारा से लिसनर मोड ऑफ कर लेता हूँ, एंड नाउ अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। क्या हो गया, क्या खोल नहीं रहा क्या वो? बिल्कुल कनेक्शन तो एस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहा। यहाँ पे देखो अब टाइम दिखा रहा आपको, ये भी बता रहा है किस टाइप का सर्वर यूज कर रहा है, वो रॉ सिग्नेचर्स भी उसके दे रहा है, क्लाउड फेयर की तरफ से वो लगा रखा है, इसमें पैफ लगी हुई है, ऐप में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये ओपन नहीं करता, बट हमें रिक्वेस्ट पैकेट तो मिल रहे हैं, ठीक है, तो जी हो सकता है कोई रीजन हो, नहीं है कर रहा है ऐसा, ऐसा होता तो नहीं है, बट मेरी कोई और देखें हो गया, इसके भी आए होंगे, गूगल के भी आए होंगे, ये लोग 127 वाले आईपी गूगल की है, ओएस गूगल के कौन सा दिखा रहा है जिसपे रिक्वेस्ट जा रही है, वो लिनक्स है, ठीक लिनक्स है, और आपका रॉ सिग्नेचर दिखा रहा है हेडर, और आ जाओ कोई अप टाइम है क्या इस पे। ये गूगल के दूसरे सर्वर की आईपी है, जी इससे होते हुए जाता है। वही तो जिससे जिससे जाएगा सबका दिखाएगा। इसमें वो नहीं दिखाएगा क्या सर्वर का ओएस कौन सा है? वो दिखा तो रहा था, तो लाइनक्स दिखा रहा था मेरे ख्याल, लेकिन हम जब हमने वो किया था उसमें सर्च तो उसमें लगा रहा था गूगल का। हाँ वो इसलिए आ रहा था क्योंकि वो डेस्टिनेशन वाले पे दिखा रहा था, जी ये जिन सर्वर से होके जा रहा है ये उनका दिखा रहा है, ओके ठीक है तो इस सर्वर से होके गया तो इसने इसका दिखा दिया मेरे को,
अब इस सर्वर का देखो नहीं दिखा रहा, क्वेश्चन मार्क है ये लोग, इसका दिखा रहा है लिरिक्स है। तो हमें इन्फॉर्मेशन तो देखो बहुत सारी मिलती है, बट हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सही है। ठीक है, तो इसमें तो पता चल गया कि हम स्निफिंग किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे T0F से। हाँ जी ठीक है, कितने प्रोसेस हुए, 850 पैकेट्स। ओके 850 ओके एंड उसके बाद आपका पार्ट है इसके अंदर, ये सारे कमांड लिखे हैं। ठीक है, अगर आप उस फाइल को सेव करना चाहते हो तो माइनस ओ लगा के एक लॉग फाइल में, T0F की लॉग फाइल में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ओके सारा रिजल्ट उसमें सेव हो जाएगा, फिर आप बाद में आराम से बैठ के, जैसे यहाँ पे मैं अभी रन टाइम पे देखना पड़ रहा है, आप हाँ चाहते जी हो बाद में एनालाइज कर लूँ, तो बाद में एनालाइज करने के लिए लॉग फाइल में सेव कर लो, आराम से घर बैठ के एनालाइज कर लो। ओके ठीक है फिर अगर आप मोबाइल में स्कैनिंग टूल्स यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज द सेवरल लाइक डिफरेंट टूल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका नेटवर्क स्कैनर टूल है, फिन टूल है, या फिर नेटवर्क डिस्कवरी टूल है, या पोर्टॉय टूल नेटवर्क स्कैनर तो किया ना यूज एक बार। है ना, तो इनमें से कोई सा भी यूज कर लो। वैसे भी आपको अगर बेटर परफॉर्मेंस चाहिए उनमें भी, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो डिवाइस है उसे रूट पेयर करना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें कंफर्म करके देगा, अदरवाइज पेयर ही ऑप्शन यूज होते हैं अभी भी। एक्चुअली मैंने जो यूज़ किया था वो वाईफाई स्कैनर यूज़ किया था, बेसिकली वाईफाई स्कैनर, कि आसपास के जो नेटवर्क्स है वो कौन से चैनल पे चल रहे हैं सब देखने के लिए। अच्छा वाईफाई के लिए, हाँ हाँ वाईफाई स्कैनर भी आते हैं, वाईफाई स्कैनर से इवन एंड आप उन पे WPS स्कैन करके, है ना, और उनकी पिन पिन आईडी जो होती है, जो 6 या 8 डिजिट की होती है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कई बार डिफॉल्ट में मिल जाती है। नहीं वो नहीं देखा। हाँ चलो वो हम वाईफाई वाले में डिस्कस करेंगे। जी सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कैनिंग पार्ट जो हमने यहाँ पे करा है। ठीक है, जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द स्कैनिंग पार्ट किया है। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा दैट इज द इनुमरेशन पार्ट। ठीक है, सो बिफोर इनुमरेशन पहले तो मैं आपको इसके नोट शेयर कर देता हूँ, एंड आफ्टर दैट फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से अपना पहले लैब सेटअप देखेंगे, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड पे अपना इनुमरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दिस नोट्स विद यू, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लैब सेटअप कैसे करना अपना, है ना, हाँ जी बेटर उसमें लैब बिल्कुल ओके सेटअप के लिए। सबसे पहले देखो लैब सेटअप में आपको करना क्या है, कुछ ही मशीन्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आप सबसे पहले तो एक वर्चुअल हार्डवेयर दोगे अपने सिस्टम को। अच्छा ठीक है, मेरे पास इसमें ना वो पड़ा है ओरेकल का वीएम बॉक्स वो चल जाएगा। हाँ वर्चुअल बॉक्स होगा ना, वीएम बॉक्स, है वही है वर्चुअल बॉक्स वही है बिल्कुल हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स फ्री है वैसे, हाँ और VMware जो है वो आप 16 यूज करोगे तो पेड है, बट अगर आप पेड डालते हो और आपको 30 डेज का ट्रायल देता है ये, हाँ जी 30 डेज में जब आपका एक्सपायर होने वाला हो देन आप मुझसे बताना कि मैं आपको फिर की दे दूंगा, तो आप की यूज कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है ओके मैं वर्चुअल बॉक्स और VMware बेसिकली दोनों ही यूज करता हूँ, बट VMware में क्या होता है कि कई बार कॉन्फ़िगरेशन ना आपको इजी पड़ती है वर्चुअल बॉक्स से, ओके ठीक तो इसलिए आई जस्ट प्रेफर VMware, बट इफ यू हैव अ वर्चुअल बॉक्स दैट्स कंप्लीटली फाइन। है नेक्स्ट है लिनक्स, आपको लिनक्स से कुछ OS डाउनलोड करनी है, तो काली करनी है 2020.3 या 2020.4 जो लेटेस्ट है। ठीक है, वो कर, जी काली की 2018 भी डाउनलोड कर लेना और 2019 1A भी डाउनलोड कर लेना। तो ये 64 बिट ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से है ना। हाँ ये 64 बिट में ही आपको करनी है, ठीक है और इंस्टॉलर फाइल करनी है ISO की, तो ठीक है क्योंकि इसको अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कहाँ से ले सकते। काली मैंने वैसे डाल रखा है अच्छा, वर्जन एक बार चेक कर लूंगा कौन सा है। तो देखो एक तो काली .org, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ काली, ओके हाँ जी तो यहाँ पे जाके अगर डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगी ऑफिशियल वाली, हाँ जी मतलब न्यूएस्ट वर्जन, दैट इज एट 2020.4, 4.1 GB ऑफ इंस्टॉलर फाइल। ठीक है, तो ओके डाउनलोड कर लो, या फिर आप यहाँ पे चले जाओ, लिख देना काली 2018.3, तो ये आपको एक ओल्ड काली के लिंक पे ले जाएगा, लिंक को ओपन करना, एंड यहाँ पे ये वाली जो फाइल है AMD64,
सिक्सटी ठीक है, फोर हाँ एक दो तीन चार पांच फिफ्थ नंबर पे जो है जी ना, ये वाली आपको डाउनलोड करनी है। ठीक ठीक है ओके है, लाइट वाइट मत कर लेना, ना केडीए वर्जन ना लाइट वर्जन, ठीक है ना मेट वर्जन, कोई सा भी नहीं, बस आपको नॉर्मल वाली करनी है। फिर उसके बाद आप 19 भी ऐसे ही मिल जाएगी आपको, 19.1 या 19.1 कर सकते हो, 19.4 कर सकते हो, ठीक है जो सुटेबल लगे। तो यहाँ पे 19.4 का रिलीज ये रहा, 19.4 वाली ये रही, ठीक है। ओके ठीक है तो इसको डाउनलोड इसलिए करनी है, हम वैसे तो हम अगर एक मशीन रखते हैं एक तो सही है, लेकिन दो तीन इसलिए रखनी है ताकि अगर बाई चांस किसी भी टाइम पे हमारी कोई मशीन काम करनी बंद कर दे, या फिर हमें दो मशीन की एक साथ जरूरत पड़ सकती है स्कैनिंग के टाइम पर, हाँ तो जी उसके पास होनी चाहिए। ओके ठीक तो उस केस में आपको जो इनको स्पेस देना है वो अप्रोक्सीमेटली हर एक मशीन को 20 GB का स्पेस दोगे, एंड इसको चलाने के लिए रैम जो है, जो मैं प्रेफर करता हूँ वो 3 GB की रैम आपको कम से कम यूज करनी है ठीक है हाँ हर एक मशीन के लिए। एक बार में एक चलाओगे, सारी नहीं चलानी है, बट जी रन करते टाइम पे आपको कम से कम 3 GB देनी है काली को। ओके ठीक फिर आपको विंडोज डालनी है, विंडोज में आप XP डाल लो, एक सर्विस पैक 1 या 2 पे जो आपको मिल जाए, एक तो 7 डाल लो अल्टीमेट प्रोफेशनल या होम वर्जन में से, एंड तो 10 भी डाउनलोड कर लो जिसमें आप प्रोफेशनल होम या एंटरप्राइज में से जो आपको मिलता है वो डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है तो ओके इन तीनों की इंस्टॉलेशन करनी है, इसमें भी 20 GB या 25 GB दे सकते हो, जैसे विंडोज 7 को 25 दे सकते हो एंड 10 को अगेन 25 दे सकते हो GB स्पेस, एंड इनको रन करने के लिए विंडोज 7 को 2 GB सफिशियंट, ठीक है, एंड विंडोज XP के लिए 1 GB भी काफी बहुत सफिशियंट है, एंड विंडोज 10 के लिए कम से कम 3 GB रैम देना। है ओके ठीक है ठीक है, एक और मशीन आपको डाउनलोड करनी है, दैट इज मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन, ओके ठीक ठीक है। ये आपको सोर्स फोर्स एक वेबसाइट है वहां से मिल जाएगी। बहुत अच्छा ठीक है, यहाँ पे चले जाना, इसको डाउनलोड कर लेना, ये ऑलरेडी मतलब उसकी फाइल है, VMware की फाइल है, ठीक है। तो हाँ जी आपको zip फाइल मिलेगी, इसको जब zip करोगे ना तो जी उस पर आपको डायरेक्टली इसे VMware में ओपन कराना है। ठीक है उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, नई मशीन के लिए फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ पे आपको न्यू वर्चुअल मशीन नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक कर देना उसपे वो उसमें खुल जाएगा एज अ न्यू मशीन करके है न्यू ना मशीन करके ओपन करके, ठीक हाँ जी हाँ जी है। अब एक चीज और समझ लो कि आपको फोल्डर किस तरीके से क्रिएट करने हैं, ओके तो फोल्डर के लिए एक काम करना, सबसे पहले जो आपका एक कोई डायरेक्टरी ले लेना, उस डायरेक्टरी के अंदर दो बना लेना, एक वर्चुअल मशीन का और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके तो जो ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो आप इसके अंदर डाल लेना, ठीक है, और दूसरा जो वो वर्चुअल मशीन वो यहाँ पे आप बना लेना। तो एक एक फोल्डर बनाया, जैसे 2020 काली 2023 का, और इसके अंदर मैंने काली की पूरी फाइल डाल रखी है, ठीक है। ओके ये वाला जो आप बता रहे हैं काली वाला ये किस चीज किस चीज की है मतलब फाइल ये सारा आपकी VMware की है, मेरी जो VMware के अंदर चल रहा है ना 20 GB स्पेस, हाँ वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रखी है। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ ये फाइल्स ना, तो आप मेरा 2020 जो काली है वो बंद हो जाएगी। बदल जाएगा अच्छा ठीक है अच्छा जैसे मतलब अपना विंडोज की वो होती है विंडोज का फोल्डर होता है हाँ, सेम जैसे विंडोज का फोल्डर होता है ना हमारे पास, विंडोज हाँ जी डायरेक्टरी होती है जिसके हाँ अंदर जी सिस्टम डायरेक्टरी भी होती है, हाँ जी हाँ जी इसी तरीके से ये भी है आपकी, इसके अंदर सारी फाइल्स हैं, ऑल फाइल्स, ठीक है, ठीक इमेज फाइल सारी है ये देखो। तो ओके ठीक मेटा एक्सप्लॉइट भी यही कहीं पे होगा, ठीक है। अच्छा, मेटा एक्सप्लॉइट अलग से नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि मेटा एक्सप्लॉइट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ओके ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो ये ना मेटा एक्सप्लॉइट एलेक्स ऑलरेडी ओपन हो जाएगा ना, हाँ तो जी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो वही पर। ठीक ओके अब बनाने के लिए इज वेरी सिंपल मेथड, जस्ट आप न्यू वर्चुअल मशीन सिलेक्ट कर लो, होम पे आए तो न्यू वर्चुअल मशीन, टिपिकल ऑप्शन लेना है, नेक्स्ट करना है, अपना चाहो तो ISO यहीं पे दे दो, नहीं तो लेटर कर देना ISO के लिए, जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। अगर लिनक्स ले रहे हो और 2020.3 ले रहे हो, ठीक है, 2020 क्या ले रहे हो, नई वाली लिनक्स, तो हाँ जी उसमें ओके डेबियन में 10x सिलेक्ट करना, ठीक है। ओके अगर 19 कर रहे हो तो डेबियन में 19.cos64 सिलेक्ट करना, ठीक है ठीक है।
वही अगर आप विंडोज कर रहे हो तो विंडोज ले लेना, और विंडो का जो भी हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। विंडो 7x64 है तो 64 बिट की है तो 64, अदरवाइज 10 है तो 10, ठीक है। ओके नेक्स्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे जो नाम दोगे ना, ये जो नाम दे रहे हो ये नेम वही रखना जो आपने यहाँ फोल्डर के नेम दिए थे। ये अच्छा जो फोल्डर का नाम दिया था ना हाँ जी हाँ ये जी वाला, जैसे यही नाम रखना जो आपने फोल्डर का नाम दिया है, ठीक है। और डायरेक्टरी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपकी सी की दिखाता है, ठीक हाँ जी है। हाँ तो जी सी में इंस्टॉल नहीं करना है, हमें दूसरी डायरेक्टरी पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमने दूसरी पे फोल्डर बनाया है ओ ना, हाँ जहाँ फोल्डर बनाया ठीक है वो वाला दूसरा जहाँ पे बनाया है, दोनों एक ही जगह रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका, आईएसओ भी, और उसकी डायरेक्टरी भी, ठीक है, अच्छा ठीक मतलब इंस्टॉल डायरेक्टरी भी उसकी। तो उस फोल्डर का यहाँ पे पाथ दे देना, जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके पावर ऑन करते हैं। हाँ जी अब इस केस में मैं आपको ये करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक जो ऑलरेडी मैंने पहले से कर रखी है ना, उसकी वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो आपको अगर उसमें इंस्टॉलेशन में कोई डाउट हो या आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप उससे देख लेना। ओके